2019 में हरियाणा राज्य देश का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पर सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक होंगी। ये दावा रेलवे विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर प्रदीप सिंधु ने हमारे संवाददाता गुलशन चावला से खास बातचीत में कही। इस मौके पर रेलवे विभाग के इंजीनियर सुधीर हुड्डा व KEC कंपनी के DGM धनंजय नंदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। नरवाणा कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दौड़ेगी, जिससे नरवाणा कुरुक्षेत्र रेल यात्रा और भी सुलभ होगी। जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, वहीं रेलवे विभाग को भी बहुत फायदा होगा। इंजीनियर प्रदीप सिंधु ने बताया कि 85 करोड़ की लागत से 18 महीनों के अंतराल में 83 किलोमीटर नरवाणा कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होगा। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र नरवाणा और जींदवाया पानीपत रोहतक रिवाड़ी रूट पर भी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होगा। उन्होंने बताया कि जींदवाया पानीपत रोहतक रिवाड़ी रेलवे रूट पर भी 202 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 24 महीने के दौरान कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जींदवाया पानीपत रोहतक रिवाड़ी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन हो चुका है। इंजीनियर प्रदीप सिंधु ने बताया कि दोनों रूटों का कार्य पूरा होने के बाद हरियाणा राज्य पूर्ण रूप से बिजली चालित ट्रेनों का राज्य बन जाएगा। नरवाणा से गुलशन चावला, आजाद टीवी न्यूज। शुरुआत की जा रही है, कहाँ से कहाँ तक होगा और कितना कितना खर्चा है कुल? ये जो अभी इलेक्ट्रिकेशन का काम आज स्टार्ट हो रहा है, ये नरवाणा से लेके कैथल होते हुए कुरुक्षेत्र तक जाएगा और ये कुल 83 किलोमीटर का रूट है, इस पर लगभग 85 करोड़ का खर्चा आएगा। तो कितने टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा? इसका शेड्यूल टाइम हमने 18 महीने रखा है, लेकिन इसको 1 साल में कम्प्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी इसका करने का मेन पर्पज़ यही है कि अभी जो हमारी मेन लाइनें हैं, जो दिल्ली पानीपत अंबाला वाली लाइन है और इधर से रोहतक जाखल होके जो भरिंडा लाइन जाती है, इन दोनों लाइनों को कनेक्ट करेगा ये।